एक बार की बात है, एक साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं और वो साधु बाबा कई सालों से तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक जहरीला सांप उस साधु बाबा के नजदीक बैठा था। जैसे ही वो सांप साधु बाबा को काटने जाता है, पीछे से एक चुड़ैल आकर उस सांप को पकड़कर दूर फेंक देती है। तभी तुरंत साधु बाबा की आंखें खुल जाती है। एक चुड़ैल होकर तुमने हमारी जान बचाई, हम बहुत ही प्रसन्न हैं तुमसे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? जो तुम मांगोगी वो मिलेगा। मैंने तो सांप को खाने के लिए उसे उठाया था। साधु ये समझ बैठा कि मैंने उसकी जान बचाई है, ये कोई साधारण साधु नहीं लगता। कई दिन से कोई जंगली जानवर नहीं मिला खाने को, मौका अच्छा है इस साधु से कुछ मांगने का। क्या सोच रही हो, जल्दी बोलो। अगर हम एक बार यहाँ से चले गए तो फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, मांगती हूँ। मुझे ना एक उड़ने वाला पक्षी बना दीजिए साधु बाबा, जिसकी नजरें चाकू से भी तेज हो और वो बादलों की गहराइयों तक उड़ सके, ऐसा पक्षी। ठीक है। साधु अपने कमंडल से जल निकालता है, उसे हाथ में लेते हुए कुछ मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। तभी चुड़ैल के दोनों तरफ पंख निकल आते हैं। अब उसका आधा शरीर एक बाज का था और आधा चुड़ैल का। फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल पंख पाकर बहुत खुश थी। कैसा बुद्धू बनाया मैंने उस साधु को, अब मैं इन पंखों से कहीं भी उड़ सकती हूँ। तभी चुड़ैल उड़कर एक बड़े से पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ पर एक बड़ा सा घोंसला बना था। वो घोंसला एक बाज का था और उस घोंसले में बाज के तीन छोटे छोटे बच्चे भी थे। अरे, ये घोंसला तो किसी बाज का लगता है, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर उसने मुझे अपने बच्चों के आसपास देख लिया तो वो नोच नोच कर मुझे खा जाएगा। तभी चुड़ैल की नजर कुछ नुकीली झाड़ियों पर पड़ती है। उन झाड़ियों में एक बाज मरा पड़ा था। तभी घोंसले से बच्चे चीची ची शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लगता है ये बच्चे उसी बाज के हैं जो उन झाड़ियों में पड़ा है। शायद उन नुकीली झाड़ियों ने उसकी जान ले ली, पर अब इन बेचारे बच्चों का क्या होगा, ये अभी बहुत छोटे हैं, उड़ भी नहीं सकते। चुड़ैल को उन बच्चों पर बहुत तरस आता है। आज से मैं इन बच्चों की देखभाल करूंगी, शायद ये बहुत भूखे हैं, इनके लिए मैं जल्दी कुछ खाने को ले आती हूँ। चुड़ैल बच्चों के लिए कहीं से रोटी लाती है, पर बाज के बच्चे रोटी नहीं खाते। अरे, रोटी नहीं खानी तो क्या खाना है, हे भगवान, ये मैं कैसी मुसीबत में पड़ गई। हाँ, बाज को मांस खाना पसंद है तो उसके बच्चे भी मांस ही खाएंगे। तभी वहाँ जंगल में एक आदमी दिखाई देता है, वो वहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था। क्यों ना मैं इस आदमी को इन बच्चों का भोजन बना दूँ। फिर क्या था, चुड़ैल अपने पंख फैलाती हुई उस आदमी को पकड़ कर पेड़ पर ले जाती है। बाज के बच्चे उस आदमी को देखते ही उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। इन बच्चों की पसंद और मेरी पसंद बहुत मिलती जुलती है। बाज के बच्चे अब चुड़ैल को अपनी माँ समझने लगे। सभी बच्चे चुड़ैल से चिपक कर सो जाते हैं। सुबह होते ही बच्चे फिर से खाने के लिए शोर मचाने लगते हैं। चुड़ैल खाने की तलाश में गांव में घुस जाती है। अरे वो देखो, वो क्या बला है, उसका तो आधा शरीर चुड़ैल सा और आधा बाज का दिखता है, पर वो यहाँ हमारे गांव में किस लिए आई है, ये हम सबको कैसे घूर घूर कर देख रही है, है? देखो देखो। सुनो गांव वालों, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उनके लिए मुझे खाना चाहिए, आराम से देते हो तो ठीक, नहीं तो मुझे छीनना भी आता है। इसे तो देखने में भी बहुत डर लग रहा है। अरे भाइयों, इसे जो चाहिए वो दे दो और यहाँ से दफा करो। तभी दो तीन गांव के आदमी अपने अपने घरों से खाना लाकर उस चुड़ैल के सामने रख देते हैं। मेरे बच्चे ये सब नहीं खाते। फिर तुम्हारे बच्चे क्या खाते हैं? मेरे बच्चे मांस खाते हैं, वो भी इंसानों का। भागो भागो, तभी अपनी अपनी जान बचाओ और अपने अपने घरों में जल्दी छिप जाओ। तभी चुड़ैल उड़ती हुई रामू को अपने पंजों से पकड़ लेती है। छोड़ छोड़ छोड़, मुझे मत मारो, मैं तो अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, तुम मुझे कैसे मार सकती हो। चुड़ैल हंसती हुई वहाँ से चली जाती है और रामू को भी बाज के बच्चे नोच नोच कर खा जाते हैं। अगर ऐसे ही वो चुड़ैल हम लोगों को अपने बच्चों का भोजन बनाती रही तो पूरा गांव एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमारे बच्चों को भी
को उठाकर अपने साथ ले जा सकती है। उसके डर से हम कब तक अपने घरों में छिप कर रहेंगे? मैं तो बोलता हूँ क्यों ना हम सब सरपंच जी से बात करें। हाँ भाइयों, ये सही है। सभी गांव वाले सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, हम सबकी रक्षा करना आपका फर्ज है। वो चुड़ैल बाज कभी भी गांव में घुस जाती है और किसी को भी उठाकर अपने बच्चों का भोजन बना देती है उसे। अब आप ही कुछ करिए। हाँ हाँ, मैंने देखा है उस चुड़ैल को। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत बेबस हूँ। मैं ठहरा बुजुर्ग आदमी, उस चुड़ैल के सामने मैं कुछ नहीं हूँ। सरपंच जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। क्यों ना हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं? पूरा गांव बहुत बड़ा है, और ऐसे कैसे हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं और जाएं? तभी अचानक चुड़ैल अपने पंख फैलाती हुई वहां आ जाती है। पूरा गांव में एक जगह इकट्ठा होकर आखिर किस साजिश में लगा है? अब जल्दी बताओ, आज मेरे बच्चों का भोजन कौन बनेगा? तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का भोजन बनूंगा। अगर मेरे मरने से गांव का भला होता है तो मैं उसके लिए सबसे आगे हूँ। चुड़ैल सरपंच को उठाकर अपने साथ ले जाती है, पर उसके बाद भी उसका गांव में आना बंद नहीं हुआ। समय बीतता गया। अब बाज के बच्चे बड़े हो गए थे, उड़ भी सकते थे। चुड़ैल ने बाज के बच्चों का पालन पोषण अपनी ही तरह किया था, उन्हें अपनी ही तरह खूंखार और खतरनाक बनाया था। मेरे बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, अपना भोजन खुद ढूंढ सकते हो। जाओ और अपना शिकार ढूंढो। तीनों बच्चे इंसानों से भी बड़े हो गए थे। कलुआ के बापू, वो कौन सा पक्षी है इतना विशाल बड़ा? पहले तो कभी नहीं देखा ऐसा पक्षी। अरे वो बाज है, बाज। पर ये गांव के ऊपर क्यों मंडरा रहे हैं? अरे ई तो बाज है। ये बाज तो यही इधर ही की तरफ आ रहे हैं। ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें भूख लगी तो यहाँ आ गए। तभी तीनों बाज अपने पंजों में एक एक आदमी को दबोच लेते हैं और उन्हें नोच नोच कर इधर उधर फेंकने लगते हैं। ऐसे ही बाज एक एक करके सभी आदमियों को नोच नोच कर फेंकने लगे। ये क्या कर रहे हैं? अगर ये ऐसे ही एक दिन में सभी लोगों को मार देंगे तो आगे क्या खाएंगे? ये सही नहीं कर रहे, मुझे इन बच्चों को रोकना होगा। रुको रुको मेरे बच्चों, रुको, ऐसा मत करो, सभी को मत मारो। ऐसे सभी को मारोगे तो कल क्या खाओगे? बाज को चुड़ैल की कोई बात समझ नहीं आती। चुड़ैल उन्हें रोकती है, पर तीनों बाज लोगों को मारने में लगे हुए थे। मैं शायद ये भूल गई कि ये मेरे अपने बच्चे नहीं है, ये तो बाज के बच्चे हैं। इन्हें तो सिर्फ मैंने पालकर बड़ा किया है, ये सब मेरी बात नहीं समझते। तभी कुछ गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल जलाकर लाते हैं और उनसे सभी बाज के बच्चों को भगा देते हैं। चुड़ैल भी उनके साथ चली जाती है। अगर हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो चुड़ैल और उसके बच्चे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाय रे, वो बाज मेरे पति को मार गए, मुझे विधवा कर गए। मुझे भी क्यों नहीं मार गए तुम? मुझे भी मार दो, खा जाओ मुझे। ये सब और कितना चलेगा? पहले तो बस चुड़ैल ही थी, पर अब तो उसके बच्चे भी गांव पर हमला करने लगे। हमें कुछ तो करना होगा। तभी वहां गांव में वही साधु बाबा आ जाते हैं। चारों तरफ लोगों को मरा देख और तड़पता देख वो चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? बाबा, मैं बर्बाद हो गई, उसने मेरे पति को मार दिया। किसने मारा हमें बताओ? जिसने भी ये सब किया है हम उसे दंड देंगे। बाबा, ये सब एक चुड़ैल और उसके बच्चों ने किया है। वो चुड़ैल का आधा धड़ बाज का है और आधा चुड़ैल का है। वो और उसके बच्चों ने इस गांव में आतंक मचा रखा है। रोज आते हैं और गांव के लोगों को मार कर खा जाते हैं। अच्छा, तो ये उसका किया धरा है। मैंने उसे उसके अच्छे व्यवहार की वजह से बाज के पंख दिए थे, पर उसने उनका गलत उपयोग किया। फिर साधु बाबा गुस्से में सीधा वहीं जाते हैं जिस पेड़ पर वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। साधु के पीछे सभी गांव वाले भी होते हैं। दुष्ट चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने लोगों को मारकर अच्छा नहीं किया।
मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू और तेरे ये शैतान बच्चे अभी कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, आगे की जिंदगी इसी तरह जियोगे तुम। बाबा बाबा ऐसा मत करिए, आगे से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साधु बाबा चुड़ैल की एक नहीं सुनता। तभी चुड़ैल बाज और उसके बच्चे छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं और जमीन पर रेंगने लगते हैं। फिर सभी गांव वाले चैन की सांस लेते हैं।